हाथ गाड़ी हवाली का हरी पुलना शिन हॉबी है योगी शिन फायदा था तो जो तो जैसे चाहो सो हरी ताम पोछाओ ये सेहत कार्ड वगैरह से का क्योंकि ये भी गुजारा हुई तो जो तो हुकूमत ये सेहत कार्ड को सा बहाल देखना आज सर में जो और दी गंदुम हवाली का आवाम में बहुत मुश्किल थी जो और गंदुम सब्सिडी बहाल होना हुकूमत की मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ये गवर्नमेंट की तरफ से ज़ालिमाना टैक्स है, इसको ख़त्म होना चाहिए। गंदम सब्सिडी बहाल होना चाहिए और सेहत कार्ड भी बहाल होना चाहिए। ये गरीबों का बहुत बड़ा मसला है। ये 2 दिनों से देख आप दुकानें बंद हैं, हम मजदूर आदमी रेड़ा लगाते थे, हम खुद बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादती हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मुतालबात मंजूर करके गरीब आवाम को ये परेशानी दूर हो सके। मेहरबानी। अभी 2-3 दिन से पूरा मार्केट बना हुआ है, हम ना हमें गंदम सब्सिडी ओपन कर रहे हैं ना सेहत कार्ड अभी इशू कर रहे हैं, इसलिए बहुत परेशानी है आवाम को। बराए करम इसको जल्द जल्द हल किया जाए और हमारा रोज़गार फिर से बहाल किया जाए। हम मजदूर बंदे हैं, ना कोई काम है, ना कुछ अभी कारोबार चल रहा है। मेहरबानी, इसको हल किया जाए। हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए यही गंदम का मसला है और खसूसन गिलगित बल्तिस्तान में तो बिल्कुल नायाब हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारे जो नज़दीकी दुश्मन है वो हमें दिन रात आने देते हैं पाकिस्तान में, तुम लोगों के लिए इस तरह हो रहा है, तो खुदा के लिए हमें शर्मंदगी से भी बचाएँ और आवाम को भी बचाएँ। हमारी इंतहाई मौदबाना गुजारिश होगी। तो अब यहाँ के गरीब आवाम जो है वो कहाँ जाएंगे फिर? अगर आप लोग भी हमारी तरफ नज़र नहीं करते हैं तो फिर हम किधर जाएंगे? तो गुजारिश है कि अभी तक जिस अरसे भी जिस तरीके से भी चलता रहा, हम चलते रहे, अब हमारे बर्दाश्त से बाहर है। अब बच्चों के साथ घरों में भूखे और प्यासे हम जिंदा नहीं रह सकते, लिहाजा गवर्नमेंट से मौदबाना गुजारिश है, पुरजोर गुजारिश है कि हम सब के इस बड़ी मुश्किल को हल किया जाए और सब्सिडी के साथ। सेहत कार्ड के हवाले से सेहत कार्ड तो ये तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है मेरा भाई। सेहत कार्ड के बगैर हम कैसे इस बल्तिस्तान के इस सर्दी में और इस क्या सहूलत है हमारे लिए? कुछ भी नहीं है। तो सेहत अगर ना हो तो फिर आप खुद सोचें कि सेहत के बगैर हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? हमारे बच्चों का मसला है, हमारे मुस्तकबिल का मसला है, हमारे मुस्तकबिल इस वक्त का जो सिचुएशन है वो हमारे हर तरह से तालीम पर भी, सेहत पर भी और हमारी फर्दर तरक्की के लिए भी हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि हमारे इस मुश्किल को फौरी तौर पर हल किया जाए। सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो उनका मेहरबानी है, उनका हाथ और कोई नहीं आता, यही आना था आवाम के लिए। जो हमें सब्सिडी दिया वो तो वही बंद करना था, वो बंद कर लिया, इनका बड़ी मेहरबानी है, इसीलिए आवाम ने इनको निकाला था। ये बेगैरत है, बेशर्म जलील है, इनके शर्म नहीं आते, इनका घर वाले सारा इधर जलसे में है। सेहत कार्ड के हवाले से क्या? सेहत कार्ड के हवाले से भी यही है जी, चाहे गवर्नमेंट कुछ दे नहीं सकते थे, जो पहले दिया वो तो कम से कम दे आवाम को दे रहे, खुद नहीं देते तो जो दूसरा दिया वो तो हमें दे रहे। हर तरफ से आवाम को जुल्म, हर तरफ से आवाम को परेशानी, ये क्या गवर्नमेंट है, क्या हुकूमत है, हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं जी ये बॉर्डर एरिया है, इनके लिए सब कुछ फ्री है। क्या फ्री है? हमें सिर्फ चलना फ्री है, बाकी सब कुछ इन्होंने पाबंदी किया हुआ है। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे दे, इस गवर्नमेंट को हिदायत दे दे, जो नुमाइंदे है हमारा, अल्लाह इनको गर्क कर दे, ये मर जाए, तबाह।